नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। नौनिहालों के लिए संस्था के शिक्षा प्रभाग द्वारा डिजिटल समर कैंप का आयोजन। म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक एवं अभिनेता मुकेश खन्ना समेत कई वक्ताओं ने दिया मार्गदर्शन। गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में संस्था की प्रथम पूर्व मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा को अर्पित मेडिटेशन कक्ष का हुआ शुभारंभ। जीजीआरसी निवासियों के लिए पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस का भी उद्घाटन। पर्यावरण को बचाने के लिए देश भर में संस्था के कई सेवा केंद्र द्वारा बड़ी संख्या में वृक्षारोपण, पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने का लिया संकल्प। और आखिर में वैंकूवर में जीवन के लिए मूल्य पर ऑनलाइन टॉक शो के तहत मूल्यों की इकोनॉमी विषय पर कार्यक्रम, तो वही वॉशिंगटन डीसी सेवा केंद्र द्वारा ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स दैट होल्ड्स अस विषय पर वेबिनार। ब्रह्मकुमारी संस्था के शिक्षा प्रभाग द्वारा नौनिहालों के लिए आयोजित ऑनलाइन समर कैंप में डिवाइन सैपलिंग विषय पर कैंप का उद्घाटन किया गया। इस समर कैंप में उद्घाटन सत्र में म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक, शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बी के मृत्युंजय, फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना, मिमिक्री एवं वॉइस कलाकार संजय केनी तथा ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बी के आशा शामिल हुई। सम्मेलन के दौरान सुप्रसिद्ध विशेषज्ञों एवं कलाकारों ने अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए कहा कि बच्चे ही भविष्य की नींव होते हैं, इसलिए बच्चों के अच्छे संस्कारों का निर्माण करना चाहिए तथा प्रत्येक माता पिता को श्रेष्ठ संस्कारों से पालना करनी चाहिए। आपका अगर दिमाग सही रहेगा तो आपका मन सही रहेगा, तो आपका शरीर सही रहेगा। इसलिए शरीर को सही रखो तो मन सही होगा, दिमाग सही होगा। आपको इतनी आत्मा के बारे में शायद ज्यादा जानने की इस वक्त आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जानना जरूरी है कि समर कैंप आया है, आपके फायदे के लिए आया है। ज्वाइन कीजिए, और शक्तिमान भी यही चाहेगा कि आप सभी बच्चे उनकी बात मानकर, शक्तिमान की बात मानकर इसको 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 तहे दिल से इस कैंप में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये चंद दिन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, साल भर उसको फॉलो कीजिए। कॉलेज में था तभी मैं ये सब फिल्म सितारों की आवाजें करता था, मिमिक्री करता था, मगर वन फाइन डे मुझे इसी की बदौलत एक बहुत बड़ा चांस मिला और ये मेरा हॉबी है, प्रोफेशन में करता हूँ। रब देखते रब बंदा परेशान है, दिल डिप्रेस है, आफत में जान है। रब देखते रब बंदा परेशान है, दिल डिप्रेस है, आफत में जान है। प्रभु कुछ करेंगे, हम ऐसे ना मरेंगे। जोश अभी बाकी है, जुनून अभी बाकी है, जमीन खत्म हुई तो क्या, आसमान अभी बाकी है। तो आप हौसला उम्मीदें बाकी रखो, बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम में बोलते हुए शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बी के मृत्युंजय ने कहा कि शिक्षा प्रभाग ने पिछले 30 से ज्यादा वर्षों से नौनिहालों के लिए व्यक्तित्व निर्माण के लिए प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन करता रहा है, जिसमें श्रेष्ठ युवाओं का निर्माण हुआ है। मुझे करीब 40 साल से बच्चों का समर कैंप ऑर्गेनाइज करने का सुअवसर मिला था, वह भाग्य मिला था, परंतु इन्होंने इस साल एक विशेष एक समर कैंप के रूप में ऑर्गेनाइज करके देश के अलग अलग कोने में बैठे हुए बच्चों को कनेक्ट किया, माउंट आबू से कनेक्ट किया, और इस एक वंडरफुल कार्यक्रम के रूप में इन्होंने तैयारी किया। इसके लिए मैंने बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ। आपका मन गार्डन बनना चाहिए, तो गार्डन में फूल क्या है, लव, प्यार, सबके साथ प्यार, सबको रिस्पेक्ट, सबके साथ कोऑपरेशन, सबके साथ हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, ये सब चीजें फूल है। गुजरात में अहमदाबाद के समीप में बन रहे ब्रह्मकुमारीज के गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में संस्था की प्रथम पूर्व मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा, जिन्हें प्यार से मम्मा के नाम से याद किया जाता है, उनके मेडिटेशन कक्ष का शुभारंभ किया गया। गुजरात जोन की पूर्व निदेशिका बी के सरला की पुण्यतिथि पर मम्मा मेडिटेशन रूम का उद्घाटन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बी के डॉक्टर निर्मला ने रिमोट के माध्यम से किया। इस मौके पर मणिनगर सब जोन प्रभारी बी के नेहा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के अमर, राजयोग भवन की संयोजिका बी के उषा, सिद्धपुर सेवा केंद्र की संयोजिका बी के विजया समेत गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर के निदेशक बी के डॉक्टर मुकेश, बी के नंदिनी एवं अन्य बी के बहनों ने रिबन काट कर दीप प्रज्वलित किया।
उद्घाटन के पूर्व बीके डॉक्टर निर्मला ने अपने आशीर्वचन दिए, वहीं इस अवसर पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ बीके बहनों ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रकट की। सारी दुनिया में मम्मा का कमरा पहला ही उद्घाटन हो रहा है, उस निमित्त हमें बहुत खुशी होती है कि मम्मा की यादगार गुजरात में ये शुरू की है। हमारी ये जो सजावट है, मम्मा का कमरा आप नहीं देखा होगा, जिन्होंने जाके देखेंगे इतना अच्छा बना है कि अगर आप दिल से जाएंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आप असरी फीलिंग करेंगे। हर एक निमित्त है, परंतु विशेष में कोई तो निमित्त बनता है। मम्मा बाबा निमित्त बने तब इतनी रचना रची ना, अकेला ब्रह्मा बाबा क्या करेंगे आप नहीं होते थे तो ऐसे मुकेश बच्चा निमित्त हैं, परंतु आप सभी साथ हो। इस दौरान जीजीआरसी के निवासियों के लिए ऑक्सीजन सुविधा के साथ 24/7 पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। अगली खबर संस्था के एकमेव रेडियो चैनल रेडियो मधुबन 90.4 FM की है। हाल ही में रेडियो मधुबन द्वारा चलाए जा रहे बातें मुलाकातें कार्यक्रम में विशेष योग के महत्व को लेकर सेशन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों में गुजरात स्टेट योगा बोर्ड के चेयरपर्सन शीशपाल राजपूत तो वही संस्था के युवा प्रभाग की कोर कमेटी मेंबर एवं भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता रही। कार्यक्रम का संचालन आरजे रमेश द्वारा किया गया, वही आगे कुछ युवाओं ने गीत सुनाकर कार्यक्रम की रौनक बढ़ाई। योगी व्यक्ति कभी निराश और हताश नहीं होता और योगी व्यक्ति कभी दीनहीन नहीं होता। तो योग आपको बलवान बनाता है, योग आपको बुद्धिमान बनाता है, योग आपको ताकतवर बनाता है। अब खबर उत्तर प्रदेश के आगरा की है, जहां दैनिक जागरण द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया, जिसमें पीपल मंडी एवं आगरा म्यूजियम के सेवला गीता पाठशाला सेवा केंद्रों के सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के लिए मौन में रहकर एवं दीप जलाकर उनकी आत्म शांति की प्रार्थना की। आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दोनों ही स्थानों की तस्वीरें, जहां एक तरफ पीपल मंडी में संचालिका बीके ममता के साथ सेवा केंद्रों की अन्य बीके बहने व सदस्य शामिल हुए, वहीं दूसरी ओर आगरा म्यूजियम के सेवला गीता पाठशाला में संचालिका बीके मधु एवं बीके माला समेत सेवा केंद्र से जुड़े अन्य सदस्य मौजूद थे। बुलेटिन में अगली खबर पर्यावरण से जुड़ी है, जहां ब्रह्मा कुमारीज के अनेक सेवा केंद्रों पर पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्यक्रम आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश की बात करें तो रतलाम के मुख्य वन मंडल अधिकारी ध्यानचंद्र डोडवे ने कहा कि अगर भविष्य को सुखद बनाना है तो वैश्विक प्रगति के साथ साथ पर्यावरण संतुलन रखना भी जरूरी है। जब तक संवेदनशीलता नहीं आएगी और प्रकृति के साथ नहीं जुड़ेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकना असंभव है। इस बार हमने क्या किया, मैंने किस जिले में हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने किसानों के द्वारा और लोगों की सहभागिता लेके 2 लाख बांस लगाने का लक्ष्य रखा है, इसी पर्यावरण के बचाव के लिए। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता समेत अन्य बीके बहनों ने भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधारोपण किया और अपने विचार व्यक्त किए। रोज सुबह उठकर उस प्रकृति का धन्यवाद जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें जीवन प्रदान कर रही है। जैसे जल जल ही जीवन है, एक पेड़ हम लगाते हैं तो कितने जीवन बच जाते हैं। अब बात करेंगे तेलंगाना की, जहां मंचेरियल जिले के सिंगापुर शहर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा हैदराबाद स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जनरल मैनेजर्स के क्वार्टर गार्डन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में फैक्ट्री की अध्यक्षा अनुपमा प्रसाद एवं सिंगापुर सेवा केंद्र की प्रभारी बी के राजलक्ष्मी ने पौधे लगाकर शुरुआत की और प्रकृति के प्रति अपने विचार रखे। इसी प्रकार सिंगापुर सेवा केंद्र पर भी केंद्र से जुड़े सदस्यों ने पौधारोपण कर प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर हैदराबाद आर्य वैश्य संगम की उपाध्यक्षा निर्जा भी विशेष रूप से मौजूद थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित हुआ,
जिसमें जिले की सभी तहसील की बीके बहनें एवं पर्यावरणविद शामिल हुए। इस दौरान सदस्यों द्वारा पीपल, बरगद, नीम, तुलसी आदि के पौधे लगाए गए। अलीराजपुर में अतिथियों ने कहा कि पेड़ों की काफी कटाई के कारण ही कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी रही। आगे छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र पर भी पर्यावरण को लेकर कार्यक्रम रखा गया। प्रभारी बीके सरिता ने बताया कि पर्यावरण एवं आध्यात्म का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगली तस्वीरें झारखंड के जमशेदपुर और ओडिशा के नवरंगपुर सब जोन की है, जहां एक पेड़ एक जिंदगी के लक्ष्य को लेकर बीके सदस्यों समेत विशिष्ट अतिथियों ने वृक्षारोपण किया। महाराष्ट्र के कामठी में पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने और उसके संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाने, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के लिए प्रत्येक व्यक्ति से एक पौधा लगाने का आह्वान करते हुए बीके बहनों ने नीम, बरगद और पीपल के पौधे लगाए। इसी तरह सांगली में ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने अपने घरों में पौधे लगाते हुए पर्यावरण की सुंदरता को कायम रखने का संकल्प लिया और राजस्थान के सूरतगढ़ सेवा केंद्र पर विशेष पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम में आए अतिथियों को बीके रानी ने ईश्वरीय सौगात भेंट की। दिल्ली के इंद्रपुरी में भी इसी उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने स्थानों पर पौधे लगाए। जीवन के लिए मूल्य विषय पर ऑनलाइन टॉक शो सीरीज के तहत मूल्यों की इकोनॉमी विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें ब्रह्म कुमारी संस्था की यूरोपियन सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके जयंती ने भाग लिया। इस सीरीज के तहत बीके जयंती ने कहा कि मनुष्य का जीवन मूल्यों के बिना अधूरा है। यदि मनुष्य के जीवन में मूल्य नहीं तो मानव की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसीलिए मूल्यों को जीवन में धारण करने के लिए राजयोग, ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास आवश्यक है। Recent times we've been through a very, very dark night, but hopefully as we again emerge, the values that lie within us, because all of us carry those values, but we've forgotten because we've connected with the world outside rather than the world inside. And when we start connecting with the world inside, then we become aware of our own inner core values and we start expressing them in our life. And that is the way in which we will move from darkness into light. बीके जयंती के इस कार्यक्रम को अमेरिका, कनाडा, मलेशिया तथा ब्राजील के लोगों ने सुना तथा शामिल हुए। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी सेवा केंद्र द्वारा ऑनलाइन वेबिनार का आगाज किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध पत्रकार, लेखक और शोधकर्ता डॉक्टर डेमार्टिनी तथा वॉशिंगटन डीसी की निदेशिका बीके डॉक्टर जैना ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में अपने अनुभवों को साझा करते हुए डॉक्टर डेमार्टिनी ने कहा कि जीवन में बंधने के बजाय मुक्त होने का विकल्प चुनना बेहतर है, क्योंकि जीवन का विकास बिना शाश्वत मूल्यों के नहीं हो सकता। So how do we go about transforming perception when maybe we've been thinking money is the most important thing, forget people? And now we're moving towards what we call in my spiritual community of the Brahma Kumaris, we're moving into a golden aged existence, which means a civilization of people who just have self-esteem and self-worth, right? So no one's going to take advantage of anyone. So how does that how does the transformation of perception change? Because the world is changing, right, John? And we are all changing. And it's starting with the way that we're seeing ourselves and the world. What are your thoughts? Oh boy, we'll need a couple months on that one. But I'll start with an exercise that I did 36 years ago. I decided to do a little research project on myself. And because I noticed that many times the things I was saying to others, as Chomsky said, language isn't just for others. Language is to say things to others so you can hear it yourself. And I started to look very carefully at my own reflection. And I went to the Oxford Dictionary, which is the largest dictionary I could find. And I underlined or circled every human behavioral trait I could find. Things that I looked up to or down on, didn't matter, just any trait I could find. And I underlined it. Then I, out to the side, I wrote down, who do I know in my own experience that reflects or expresses that trait to the fullest or to the highest level? Positive or negative traits, depending on how you want to look at it.
And then I went in there and looked in my life, where and when have I displayed those behaviors to the same degree as the most extreme individual that I could see? And I didn't stop, I dug really deep. I found 4,628 individual behavioral traits in there that I neurotically went through and identified inside myself every one of them. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।